हे गाइस, वेलकम टू पहला अकेडमी। पहला अकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर से आज हम हार्दिक समीक्षा का एक नया सेशन यूट्यूब चैनल पे पहला अकेडमी के लेके आए हैं। इससे पहले हमारे हार्दिक समीक्षा के तीन जो सेशन हो चुके हैं उनमें हम फर्स्ट चैप्टर है जो अपना हार्दिक समीक्षा का उनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हार्दिक समीक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। हम ये देखेंगे कि आरपीसी किस प्रकार से आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछती हैं और उनका आंसर हम किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा सेशन। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। वृद्धार्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, ये हमारी आर्थिक समीक्षा का फर्स्ट चैप्टर है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम हमारी पहली क्लासेस जो यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ा था, वहाँ हमने पता किया था कि आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहे हैं। तो यहाँ भी जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, वित्त विभाग के द्वारा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा, आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किया जाता है। जैसे आप अगर आर्थिक समीक्षा उठा के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसके फर्स्ट जो पेज होता है उसका मुख्य पृष्ठ पे वहीं पे यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे लिखा रहता है कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, इसको याद कर लीजिए आप। सेकंड, अगर हम बात करें कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 के लिए प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि 21-22 के अनुसार 2021 के लिए पूछ रखे हैं और प्रचलित मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ये आरपीएससी का पेट क्वेश्चन रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का पूछ सकती है। या तो प्रचलित मूल्यों पे पूछा जा सकता है या स्थिर मूल्यों पे पूछा जा सकता है। स्थिर मूल्यों पे तो जो आधार वर्ष होता है उसके आधार पर जारी किया जाता है, तो आधार वर्ष हो गया 2011 और 12। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर अगर हम सकल घरेलू उत्पाद देश के सकल घरेलू उत्पाद का पूछ रखा है, राज्य का योगदान कितना है देश के सकल घरेलू उत्पाद में, तो 4.91%, 4.92, 4.86, 5.15। आईपीएससी आपको ऑप्शन इसी प्रकार से देखे, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, इतना छोटा छोटा डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस आपको देखे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 5.15% हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान है देश के सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान है 1.15%। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जैसे आ गया कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पे। यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन करें तो आपको एक एक वर्ड पे ध्यान होना चाहिए, कौन से वर्ष के लिए पूछा गया है। हम कभी ये भी पूछ सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पे 2021 के लिए पूछ रखा है तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कितना अनुमानित किया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पर यहाँ पे जैसे देखिए कि वर्ष 2020-21 के लिए पूछा है सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पे, यहाँ पे स्थिर भी पूछ सकते थे आप। जल्दबाजी में कहीं हम ये नहीं कर रहे कि यहाँ पे हम स्थिर मूल्यों का याद आ जाए हम वो लगा दें, नो। यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पे सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान किस क्षेत्र का सर्वाधिक है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग का, सेवा का या खनन का। तो हमें पता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान चाहे स्थिर मूल्यों पे कहे तो भी सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, अगर प्रचलित मूल्यों पे कहे तो भी सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, हमें पता है ना ये चीज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो आरपीसी एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को तो आप ऐसे रट के रख लीजिए ताकि आपको इस तरह की परेशानी ना हो कि कृषि क्षेत्र का ज्यादा योगदान है, उद्योग क्षेत्र का ज्यादा योगदान है या सेवा क्षेत्र का।
खनन तो देखिए, खनन कृषि क्षेत्र तीन ही होते हैं, कृषि उद्योग और सेवा। खनन क्षेत्र है वो कृषि है उसी का एक पार्ट माना जाता है। आर्थिक समीक्षा हमारा नेक्स्ट क्यों समझ गया कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि प्रचलित मूल्यों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा। ये भी पूछ सकते हैं कि प्रचलित मूल्यों पे, जैसे यहाँ पे तो सीधे क्षेत्र का नाम पूछ लिया, अब हमें ये भी पूछ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा, तो इनके परसेंटेज भी हमें एग्जैक्ट याद होने चाहिए। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जैसे 44.70, 42.40, 45.60, 47.17। तो ये हमारे डेटा है वो एग्जैक्ट हमें याद होने चाहिए। यहाँ पे है 45.60 है वो इसका राइट आंसर है, 45.60 इसका राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र का बता रही हूँ मैं आपको। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने लेके आई हूँ, स्लाइड में मैंने रखा है उसमें कृषि का कितना है, सेवा का कितना है। वैसे तो हम पीछे हमारे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसमें मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो ये देखने से पहले आपको पहले के जो तीन हमारी लेक्चर है वो देखने चाहिए, तो आपको जो क्वेश्चन है उनको करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 45.60% योगदान है सेवा क्षेत्र का, किसमें, सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पे है। ये भी यहाँ पे ऐसे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रचलित कीमतों पे है, स्थिर कीमतों पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए मैंने आपको कहा था कि प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार संरचना बताइए, और ये पक्का क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको आरपीएससी का जो पेपर होगा आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें मिल जाएगा। चलिए मैं आपको याद करवा देती हूँ अभी, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है कि 2021 के अनुसार कितना प्रतिशत योगदान था, और आपको ये भी पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि 21-22 के अनुसार कितना अनुमानित किया गया है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है और इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। जैसे पहले हम 2021 का कर लेते हैं, तो 2021 में क्या है कि कृषि क्षेत्र का योगदान तो 30.98 हो गया, उद्योग क्षेत्र का 23.42 हो गया, और हमारा सेवा क्षेत्र है उसका योगदान 45.60 हो गया। ठीक है, 30.98, 23.42, 45.60 याद हो गया। अब 21-22 का अगर हमसे अनुमानित पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार ये जो 2021 का दे रखा है ये ना पूछ के यहाँ हमें सीधा ही पूछ ले कि कितना अनुमानित किया गया है, अनुमानित किया गया है, तो हम ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखिए आप, तो फिर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.10% है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 45.10 होगा। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र का अगर हम योगदान देखें तो 30.23 हो गया, और उद्योग क्षेत्र का देखें तो 24.67 हो गया, और सेवा क्षेत्र का देखें तो 45.10 हो गया। ठीक है, अनुमानित है ये, अनुमानित 30.23, 24.67 और 45.10 है सेवा क्षेत्र का योगदान। अब जैसे मैंने आपको पिछले जो भी क्वेश्चन करवाए थे, पीछे हमने जो भी लेक्चर थे उसमें मैंने ये भी बताया था कि इसे भी पूछा जा सकता है कि 17-18 से लेके 2021 तक राज्य में कृषि क्षेत्र है उसका योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको पीछे जो है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 26.14 है 2017-18 में, यहाँ पे 25.8 आ गया, यहाँ पे 27.83 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 26 से 25 और 25 से 27 और 27 से 30 होता जा रहा है, तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र घटता बढ़ता जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके साथ। और ये सेम बात अगर उद्योग क्षेत्र की अगर हम करें, ये सेम क्वेश्चन उद्योग क्षेत्र से पूछ ले, अगर स्टेटमेंट आ जाए, आरपीएससी स्टेटमेंट भी पूछ सकती है जैसे कि उद्योग क्षेत्र का योगदान 2017-18 से लेके 2020-21 तक लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे 29.23 है, फिर 26.26 है, फिर 24.54 है, फिर 23.43 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बढ़ता नहीं जा रहा है, निरंतर घटता जा रहा है, निरंतर घटता, ये स्टेटमेंट हमारे आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट अगर मैंने बोला था
कि निरंतर बढ़ता जा रहा है उद्योग क्षेत्र का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें पता है निरंतर घटता जा रहा है, 29 से 26, 26 से 24, 24 से 23, है ना। यहाँ से 17-18 से लेके 21-22 तक पूछा जा सकता है और ये आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट माननीय ये स्टेटमेंट आप, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें सेवा क्षेत्र का पूछ ले तो क्या होगा, 44.63 हो गया, 47.86 हो गया, 47.63 हो गया, 45.60 हो गया। तो ये भी देखिए 44 से 47 हो गया, 47 से, यहाँ देखिए 8-6 था और यहाँ पे 6-3 हो गया, तो ये भी घटता बढ़ता जा रहा है, ठीक है, घटता बढ़ता जा रहा है। तो एकमात्र हमारा उद्योग क्षेत्र है जो निरंतर घटता जा रहा है, तो इसको पूछने के ये स्टेटमेंट आने के ज्यादा चांस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्ष 2020-21-22 के अनुसार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार। यहाँ पे देखिए अग्रिम अनुमान पूछ रही है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि 2020-21, 2020-21 में कितनी अनुमानित की गई, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मैंने जैसे कहा कि अग्रिम अनुमान भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि 21-22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी थी। तो आपको दो चीजें ध्यान में देखनी होगी, एक तो कि 2020-21 का पूछा है कि अग्रिम अनुमान का पूछा है, दूसरा प्रचलित कीमतों पर पूछा है कि स्थिर कीमतों पर पूछा है, ठीक है। तो अनुमान यहाँ पे हमारा होगा 1,35,218 रुपये, 1,07,890 रुपये, 1,15,492 रुपये, 1,09,386 रुपये। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, 1,35,218। इसको याद कर लीजिए आप, 1,35,218, यानी कि बहुत ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के, 1,35,000। मैंने जितने भी क्वेश्चन अपने स्लाइड में डाले हैं वो ऐसे डाले हैं कि जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को तो रट ही लीजिए, इनके जैसे कि तैसे क्वेश्चन आपको आरपीसी के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। 1,35,218 प्रचलित कीमतों पे है, ये याद रखिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और अनुमानित अग्रिम अनुमान की बात चल रही है यहाँ पे, 1,35,218 रुपये। अच्छा ये यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ, वैसे मैं पिछले लेक्चर में रिवाइज करवाई जा चुकी हूँ, इसको करवा सकती हूँ कि राजस्थान और अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, ठीक है। राजस्थान की कर लेते हैं, भारत की पूछने के चांसेस कम है तो इसको ऑटोमेटिक कर लिया आप। और अखिल भारत स्तर पर अगर देखिए राजस्थान के स्तर पर, तो ये देखिए 2021-22 में तो अनुमानित है 1,35,218, और अगर हमें ये पूछ ले कि 2021-22 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, तो 1,15,933 होगी, तब हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, 1,15,933। और अगर वृद्धि दर हमसे पूछ ले कि प्रचलित मूल्यों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर कितनी थी, तो 2021 में अनुमानित की गई है 16.63% अनुमानित की गई है, 16.63%। और अगर देखिए स्थिर इस पे देखिए 2021 में देखिए, सॉरी स्थिर कीमतों पे नहीं, स्थिर कीमतों पर अलग से होते हैं, 2021 के देखें तो 0.50%। ये इतनी कम क्यों रही, हमें भी पता है कोरोना महामारी थी, उसके दौरान लॉकडाउन लग गया था, सारी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी हमारी वो बंद हो चुकी थी, तो इस चक्कर में आय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, एक कृषि क्षेत्र था जो कि पॉजिटिव में चल रहा था। तो 0.50% तो 2021 की हो गई, और अगर 21-22 के अनुमानित देखें हम कितनी है, तो 16.63 हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पे। देखिए मैं कब से आपको बताई जा रही हूँ कि आपसे स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए कि स्थिर कीमतों पे पूछा जा रहा है और वृद्धि दर पूछी है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार, ठीक है ना।
अग्रिम अनुमान के अनुसार कितनी रही? तो ये हमारा अग्रिम अनुमान के अनुसार देखते हैं तो 5.03%, 11.04%, 6.97%, 2.86%। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 11.04% अनुमानित की गई है राज्य की स्थिर कीमतों पर, कह रही हूँ अग्रिम अनुमान के अनुसार 11.04%। अभी भी जैसे मैंने बताया कि 11.04%, तो ये तो अग्रिम अनुमान था तब हो गया। अगर वहीं पे ये सवाल हो जाता कि 21-22 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर, स्थिर यहाँ पे देखिए आधार वर्ष होता है ना, स्थिर कीमतों पर 11-12 का आधार वर्ष है, तो स्थिर कीमतों पर राज्य की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? तो ये -2.86 रही, नकारात्मक वृद्धि दर रही है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमसे कहा जा सकता है कि राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, स्थिर कीमतों पर इसकी वृद्धि दर अगर हम देखें तो वो ऋणात्मक वृद्धि दर रही 2020-21 में, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल -2.86 रही है, तो ऋणात्मक वृद्धि दर रही है कोरोना महामारी की वजह से। और अगर अग्रिम अनुमान देख ले 2021-22 का, तो 11.04% रहा है। ठीक है, अगली बार इस तर्क पर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा हम देख लेते हैं कि इंडिया के लेवल पे भी देखें तो -7.3%, ये भी ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। और अगर हम बात करें अग्रिम अनुमान कितना का है, 9.2% रहा है। ठीक है, वर्ष 2020-21 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी अनुमानित की गई है? अभी हम कौन सा करके आए थे, प्रति व्यक्ति आय करके आए थे, ठीक है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार किया था वो भी, पर स्थिर कीमतों पे नहीं था, वहां पे प्रचलित कीमतों पर था 1,35,000 आगे लगभग कुछ था। और यहाँ पे स्थिर कीमतों की अगर बात करें तो स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? 81,231, 71,394, 72,297, 78,570। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है 81,231। 81,231 ये तो आप याद ही कर लीजिए, 81,231 है, ये है स्थिर कीमतों पे, है स्थिर कीमतों पर, ठीक है ना, स्थिर कीमतों पर। और स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों पे देखिए तो हमें दो दो आंकड़े याद करने पड़ेंगे, एक तो अग्रिम अनुमान के अनुसार, एक पिछले वर्ष का कितना रहा, दोनों में से कोई से आरबीसी के द्वारा पूछा जा सकता है। ये देखिए राजस्थान और अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर देख रहे हैं हम, स्थिर मूल्यों पे आधार वर्ष 2011-12, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय है या जीडीपी है उसका आधार वर्ष क्या माना गया है, तो उसका आधार वर्ष हमें पता है 2011-12 माना गया है। यहाँ पे देखिए राजस्थान में जैसे रहिए 2021 का, अभी हम अग्रिम अनुमान की बात कर रहे थे, अग्रिम अनुमान में तो 81,231 है, ठीक है, अगर ये सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2020-21 में कितना अनुमानित की कितने रही, तो ये हो गया 74,009 हो गया, ठीक है ना, 74,009 ये 2021 में है। और ये 21-22 का अग्रिम अनुमान देखिए तो 81,231 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया जैसे अखिल भारतीय स्तर पर वृद्धि दर दिखा रखी है, वृद्धि दर ये राजस्थान की है, जो ग्रीन वाली है ना, यहाँ पे देखिए ग्रीन वाली है, ये राजस्थान की दिखा रखी है। तो वृद्धि दर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे घटी, फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर घटी और फिर बढ़ी, ये तो वी शेप में आ गई, यहाँ पे देखिए कोरोना की वजह से तो वी शेप में, इकोनॉमी भी वी शेप में चली थी, तो इकोनॉमी चलेगी तो उसी के हिसाब से हमारी प्रति व्यक्ति आय चलेगी। तो वृद्धि दर अगर राजस्थान की देखें तो अग्रिम अनुमानों के अनुसार तो 9.76% रहा है, 9.76। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्यों पर उसकी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया अग्रिम अनुमानों के अनुसार, तो 9.76 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि 2020-21 में कितनी थी, तो ये देखिए ऋणात्मक रही, क्यों, जीडीपी सकल राज्य मूल्य वर्धन था, उसके भी वृद्धि दर हम कह रहे थे ना ऋणात्मक रही, तो अगर उद्योग क्षेत्र वो भी ओपन नहीं रहेगा, अगर सेवा क्षेत्र भी बंद रहेगा तो हमारी प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ ही नहीं सकती ना, तो ये भी ऋणात्मक में चली गई थी अगर वृद्धि दर हमारी जीडीपी की कहें
या फिर राज्य की नकारात्मक वृद्धि दर रही, तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर थी वो भी ऋणात्मक में गई है, -3.74%। ये 2021 का आंकड़ा है, याद रखिए 21-22 का अग्रिम अनुमान तो 9.76 किया गया है और यहाँ पे 2021 का दिखा रखा है। और यही अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो यहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर 2021 में रहेगी -8.36 है और यहाँ पे देखिए 8.44% है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया, थोक मूल्य सूचकांक हो गया, इनसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी सीपीआई आर एंड यू जो है संयुक्त है, उनको वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4 तरीके के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। एक तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। प्रतिमा 4 विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं, जिसमें एक तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए हो गया CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर बोलते हैं इसको, तो एक कृषि श्रमिकों के लिए हो गया CPI, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, एक ग्रामीण श्रमिकों के लिए हो गया CPI, रूरल लेबर हो गया। ये तीनों तो जारी किए जाते हैं श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिए CPI, IW, CPI, AL और CPI, RL। ये तो तीनों किन के द्वारा जारी किए जाते हैं? श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किए जाते हैं, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं। और अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण व शहरी संयुक्त तो पूछ रहे हमसे वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है, तभी इसके आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी तीनों को जारी करता है श्रम ब्यूरो शिमला, वैसे तो कोई सा भी पूछ सकते हैं इनमें से। CPIW किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है हमारा। और CPI एग्रीकल्चर लेबर का किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वहां पे हमको लिखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IW, CPIW की बात कर रही हूँ मैं अभी, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है, सॉरी गाइस, IW देश भर के औद्योगिक रूप से विकसित 78 चयनित केंद्रों के लिए जारी की जाते हैं, इनमें राज्य के कितने केंद्र शामिल है? मैं सिंपल से आपको बात बता दूं कि इंडस्ट्रियल वर्कर है, ऐसे तो है नहीं कि सरकार के द्वारा डेटा कहीं से भी उठाए जा सकते हैं, वो डेटा इसी क्षेत्र से उठाते हैं जहाँ पे उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पे वर्कर ज्यादा काम करते हैं, या ये क्षेत्र है जो इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखे तो बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों को हर उन क्षेत्रों से सरकार के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो देश में अगर देखे तो औद्योगिक रूप से कुल 78 प्रकार के क्षेत्र है, चयनित केंद्र है, जिनसे आंकड़े राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इन 78 केंद्रों में अगर हम बात करें कि राज्य के कितने केंद्र शामिल है, तो 3 है कि 4 है, 1 है कि 5 है, तो यहाँ पे 3 केंद्र है जो राज्य के है, ठीक है ना। कौन कौन से केंद्र है ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि केंद्र है, CPIW जारी करने के लिए सरकार के द्वारा डेटा एकत्रित किए जाते हैं, वो 3 केंद्र कौन कौन से जिले में स्थित है, तो ये भी पूछ ले तो हमें जयपुर है, अलवर है और भीलवाड़ा है, ठीक है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। पहले क्या होता था, अजमेर होता था, अजमेर होता, खैर ये आप याद मत कीजिए गलत है, इसको तो मैं काट ही देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा होता था, पर सरकार के द्वारा 2020 में इसमें चेंज करते हुए क्या किया कि अलवर केंद्र को ले लिया गया। तो हमारे राज्य में देखें तो देश के कुल 78 चयनित केंद्र है, उनमें राज्य के 3 केंद्र है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रही हूँ मैं, अब यहाँ पे पूछ ले कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI एग्रीकल्चर लेबर का आधार वर्ष क्या है, तो इनका पूछ ले 99, 2000, 2005, 6, 2011, 12, 86, 87। गाइस मैं आपको बता दूं कि आधार वर्ष पूछने का आरपीसी का ट्रेंड रहा है,
किसी का भी पूछ सकती है, सीपे एयर का पूछ सकती है, सीपे आईडब्ल्यू का पूछ सकती है, सीपे अर्बन रूरल का पूछ सकती है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1986 से जैसी है ये एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे आप याद कर लीजिए सीपीआई एएल, एएल किसका है, इसका आधार वर्ष कितना है 1986 और 87। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आप एक्सप्लेनेशन में इसको दे दिया है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआईडब्ल्यू का आधार वर्ष 2016 है, 2000 अभी इसको चेंज किया है, ये आने के ज्यादा चांसेस जाएगी, मोस्ट मान लीजिए आपको इसको तो याद ही कर लीजिए 2016 है सीपीआईडब्ल्यू का। कृषि श्रमिकों के हेतु देखें तो सीपी एग्रीकल्चर और अभी अभी क्वेश्चन किया है हमने 1986 है इसका। गौतम सुशांत मैंने बताया कि ग्रामीण और शहरी शोक तो इसका भी पूछा जा सकता है, तो इसका आधार वर्ष 2012 है। और अगर हम औसत सामान्य उपभोक्ता मूल्य हमसे ये से पूछ रहे सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष 2001 है। ठीक है, सीपीआईडब्ल्यू का 2016 है, CPIAL का 1986-87, ग्रामीण और शहरी संयुक्त का हम बात कर ले 2012 और सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दर्वर्ष कर ले तो 2001 हो गया। राज्य सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। थोक मूल्य सूचकांक सरकार के द्वारा सूचकांक जारी किए जाते हैं तो उसमें कुछ तो वस्तुएं होगी, और एक बात मैं आपको बता दूं कि थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं शामिल होती है, इसमें सेवा क्षेत्र शामिल नहीं होता। सेवा क्षेत्र हमारा जो सीपीआई है उसमें सीपीआई के अंतर्गत सेवा प्लस वस्तु दोनों शामिल होती है, और थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत केवल और केवल वस्तुएं शामिल होती है। ठीक है, तो कितनी वस्तुएं ली गई, 154 ली गई, 75 ली गई, 301 या 233, तो 154 वस्तुएं शामिल है हमारी थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत। ये भी मैं आपको बता दूं कि 154 वस्तुओं को तीन वस्तु समूह में बांटा गया है, कितने वस्तु समूह में, तीन में। तीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राथमिक वस्तुएं तो होगी 75 शामिल, विनिर्मित उत्पाद 69 और ईंधन शक्ति की बात करें तो 10 शामिल है। ठीक है, 75, तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत तीन वस्तु समूह 154 वस्तुओं को तीन वस्तु समूह में बांटा गया है, उसमें सबसे ज्यादा किस वस्तु समूह की संख्या है, तो प्राथमिक वस्तुओं की है, 75 है, ये याद रखिए प्राथमिक वस्तुएं 75 है, विनिर्मित उत्पाद की देखें तो 69 है, और ईंधन शक्ति की बात करें तो 10 है। ठीक है, तो मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी जैसे मैंने कहा आधार वर्ष तो आरपीसी का पेट क्वेश्चन रहा है, तो 99-2000 रहा है इसका आधार वर्ष कितना है, 99-2000। अब हमसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तो मैंने जैसे बात की कि निम्नलिखित में किस वस्तु समूह को थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांश दिया गया है, अभी क्या आया था, आप कहोगे कि प्राथमिक वस्तुएं थी, तो उसमें तो प्राथमिक वस्तुएं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि संख्या के दृष्टिकोण से अगर आ जाए, संख्या के दृष्टिकोण से पूछ ले तब तो प्राथमिक वस्तुएं आएगी। ठीक है, विजेता सर्वाधिक है, विनिर्मित उत्पाद 69 है, इंधन शक्ति 10 ही है, ये तो संख्या के दृष्टिकोण से दिया गया है। अब इन 154 वस्तुओं को वेटेज भी दिया जाता है, वेटेज में देखे तो प्राथमिक वस्तुएं हैं कि कृषि वस्तुएं ज्यादा है, ईंधन व शक्ति ज्यादा है, या विनिर्मित उत्पाद ज्यादा है, वेटेज किसको ज्यादा दिया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद। और यहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन आ जाए कि थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक संख्या कौन से वस्तु समय को है, तो तब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं, ये 75 है। ठीक है ना, तो इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। और अगर हम भारांश की बात करें, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि आपको पूछा जा रहा है भारांश पूछी जा रही है कि संख्या पूछी जा रही है, इस तरह की चीजें अगर आती है तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो प्राथमिक वस्तुएं कृषि वस्तुएं ईंधन शक्ति या विनिर्मित उत्पाद, विनिर्मित उत्पाद को सर्वाधिक भारांश दिया गया है। ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया है कि प्राथमिक वस्तुओं को भारांश तो 33.89% दिया गया है, ईंधन शक्ति को भारांश देखिए 16.25% दिया गया है, विनिर्मित उत्पाद को देखें तो 49.85% दिया गया है, तो 49.85% है ये विनिर्मित उत्पाद को भारांश सर्वाधिक हो गया, उसके बाद प्राथमिक वस्तुएं आ गई, उसके बाद ईंधन शक्ति होगी। बाई चांस आपको घटते या बढ़ते क्रम में पूछ ले कि भारांश है वो घटते क्रम में बताओ, तो पहला ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया,
तो विनर में दूध बाद हो गया, फिर प्राथमिक कोष में हो गया, फिर इंद्र और शक्ति आगे। अब प्राथमिक कोष में इसमें आते क्या है, तो इसमें कृषि कोष में आते हैं और खनिज जो प्राथमिक वस्तु है। एक तरीके से हमारा जितना भी रॉ मेटेरियल है ना, वो सब का सब प्राथमिक वस्तु समय के अंतर्गत आता है। ठीक है गाइस, चलिए आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, इसका जो सेकंड चैप्टर है उसके साथ हम उसमें आएगा कृषि क्षेत्र से संबंधित जो होगा, कृषि व उसके संबंध क्षेत्र, वो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, तो वहां से शुरू करेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे अब तक और याद भी हो गए होंगे। मैंने बहुत बार 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 डेटा को बार बार रिवाइज किया है ताकि आपको जो डेटा है वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो इनको क्वेश्चन को बार बार करते रहिए आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो और एकदम से क्लियर भी हो जाए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।